किसी भी मेडिकल स्टोर पर वो प्रोडक्ट मिलेगा सो इफ यूर इंटरेस्टेड कीप ऑन वॉचिंग दिसो टिल द वेरी वेरी एंड बट इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज टेकआउट मोमेंट एंड हिट दट रे सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल सो दट एवरी टाइम आई अपलोड इन यू वीडियो यू गेट नोटिफाइड नाउ विदाउट एनी फर्द ब्लैबरिंग्स जस्ट डाइव राइड इन टू द वीडियो ई नोट हि माई नोट बुक सो दैट आई डोंट मिस एनी पॉइंट क्योंकि आज की वीडियो में चाहती हूँ कि आप सब लोग बहुत ध्यान से देखो सो so, जब मेरे आंकने हुआ था आई यूज टू ट्राई अर ऑफ डिफरेंट स्किन केयर प्रोडक्ट एंड सम वर्क फॉर मी समे आंकने ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे एक्टिव एक्नेस उसके बाद वट हैपन वॉज माई स्किन हैड अ लॉट ऑफ टेक्सचर मतलब बहुत ज्यादा छोटे छोटे व्हाइट हेड इधर हो गए थे एंड नोस पे भी बहुत सारे व्हाइट हेड हो गए थे जो की मैं कोई भी प्रोडक्ट यूज करूं वो जा ही नहीं रहे थे सो एट दैट टाइम मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज देखी थी एंड गूगल पर भी काफ़ी सारा रिसर्च किया था कि ये क्यों हो रहा है बेसिकली मेरे ना जो पोर्स थे वो काफी ज्यादा क्लॉग्ड थे एंड क्योंकि मैं सैलिसलिक एसिड यूज करती थी तो उसके वजह से मेरे एक्टिव एक्ने act तो कंट्रोल हो गए थे बट जो मेरे वाइट हेड्स हो गए थे वो एकदम परमानेंट ही हो गए थे वो हट ही नहीं रहे थे कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद भी सो दैट इज वेन आई डिसाइडेड टू ट्राई आउट द पेरोलिन जेल ये आपको किसी भी इंडियन फार्मेसी या केमिस्ट स्टोर पे मिल जाएगा एंड इट रिटेल्स फॉर फोर सिक्सटी थ्री रुपीज एंड दिस इज अ फिफ्टीन ग्राम प्रोडक्ट तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है पहले ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हुआ करता था बट uh, जैसे यू नो you know, इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है इसका प्राइस काफी ज़्यादा अब बढ़ गया है पेरोक्लिन बेसिकली बेंजोइल पेरोक्साइड और क्लाइंडमाइनसिन का कॉम्बिनेशन होता है और जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये टू पॉइंट में इसका एक फाइव का वेरियंट भी आता है सो लेट्स गो थ्रू एवरी थिंग पॉइंट बाई पॉइंट सबसे पहले ये किस चीज को टारगेट करता है सो इट विल टारगेट योर एक्ने ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स मैंने पर्टिकुलरली इसको यूज किया था टू गेट रेड ऑफ माई व्हाइट हेड्स जो मेरे फेस पे हो गए थे काफी सारे फिर बात करते हैं इसके कॉम्पोजिशन की जैसा कि मैंने बताया ये बेन्जॉयल पेरोक्साइड और क्लाइंडामाइनसिन का मिक्सचर होता है बेन्जॉयल पेरोक्साइड हेल्प करता है आपके एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को किल करने में और क्लाइंडोमाइसिन हेल्प करता है कि वो जो बैक्टीरियाज है वो दोबारा हो ही ना सो so, इसीलिए इट इस इज अ गुड प्रोडक्ट टू

पीपल इट कैन टेक अट लॉन्गर सो जब आप इसको यूज कर रहे हो यूज इट कॉन्सिस्टेंटली एंड यू विल डेफिनेटली सी रिजल्ट सो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है वाइल यूजिंग पेरोक्लिन इज दैट सबसे पहले आई वुड सजेस्ट यू टू यूज इट ओनली वंस एवरी डे नॉट ट्वाइस क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग होता है तो uh, आपकी स्किन का जो बैरियर है उसको डैमेज करने का चांसेस रहता है सो जस्ट यूज इट वंस यू कैन यूज़ इट इन द मॉर्निंग और एट नाइट बट आई वुड रिकमेंड यू टू यूज़ इट एट नाइट क्योंकि जितने भी ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं ओवरनाइट आपके स्किन पे ज्यादा अच्छे से काम करते हैं सेकेंडली इसके स्टोरेज के लिए यू हैव टू स्टोर इट इन द फ्रिज नॉट द फ्रीजर बट द फ्रिज द रेफ्रिजरेटर इसको बाहर नहीं रखना है इनफैक्ट जब आप इसको ऑर्डर भी करोगे अपोलो या कहीं भी ऑनलाइन साइट से अगर आप ऑर्डर करते हो तो वो इसको आइस बैग के अंदर डाल के देते हैं बिकॉज इट हैज़ टू बी केप्ड कोल्ड तो इसको हमेशा फ्रिज में रखना अभी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लेके आई हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है अब बात करते हैं कि इसको यूज कैसे करना है तो इसको यूज करने से पहले रात में आप अपना सारा मेकअप रिमूव करने के बाद अपने फेस को अच्छे से वॉश करो जब आप अपने फेस को वॉश कर रहे हो तो आप कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट वाला फेस वॉश मत यूज करना डो नॉट यूज सैलिसलिक एसिड क्योंकि वो ऑलरेडी ड्राॅइंग होता है फिर ये भी ड्राइंग है सो इट वुड डैमेज योर स्किन बैरियर सो डो नॉट यूज एनी एक्टिव ऑन योर फेस वाइल यू आर यूजिंग पेरोक्लिन सुबह में यूज करो बट रात में जब इसको यूज करो डो नॉट पेयर इट अप विद एनी अदर एक्टिव अदर देन हाइलोरिक एसिड वो मैंने देखा है कि इट वर्क गुड क्योंकि हाइलोरिक एसिड यू नो मॉइस्राइजेज एन हाइड्रेट्स योर स्किन एंड देट इज़ वॉट यू नीड वेन यू आर यूजिंग पेरोक्लिन सो कोई भी एक जेंटल सा क्लेंजर यूज करो मैं नीचे लिंक्स दे दूंगी जो जो मुझे पसंद है मेक श्योर देर इज नो मेकअप ऑन योर फेस उसके बाद यू टेक अ पी साइज अमाउंट बहुत थोड़ा सा आप अपने हाथ में लोगे अभी मैं अपना फेस वॉश करके आई हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ हाउ आई यूज इट नाउ यू विल टेक जस्ट अ स्मॉल अमाउंट यू कैन सी इतना छोटा मैंने अमाउंट लिया है नाउ यू हैव टू अप्लाई इट ऑन द अफेक्टेड एरियाज तो अगर आप इसको सिर्फ अपना लाइक like चीक्स वगैरह पर जहाँ पर भी आँखने हुआ वहाँ अप्लाई कर रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो बट वॉट आई लाइक टू डू इज मैं इस छोटे अमाउंट को ही अपने फेस पे पूरे जगह पर स्प्रेड कर लेती हूँ एंड देन आई विल मसाज इट ऑल ओवर माई फेस स्पेशली माई नोज एंड माई चीक्स क्योंकि यहीं पे मुझे ज़्यादातर वाइट हेड्स हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे पोर्स होते हैं ना ओपन तो वो क्लॉक करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एंड इसको अंडर आइज़ पे अप्लाई करना अवॉइड करना सिर्फ ऐसे आप लगाओ अंडर आइज पे मत लगाना क्योंकि अंडर आई की स्किन हमारी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्राई और यू नो पतली होती है तो वहाँ पे इसके जो ड्राइंग इफ़ेक्ट है फिर आपके अंडर आइज पील करने लग जाती है so do not use it under your eyes and you know this is how I like to apply it इसको मैंने अच्छे से अपने पूरे face पे massage कर लिया है एंड काफी थिन लेयर लगी है क्योंकि बहुत छोटा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लिया था ज्यादा मत लगाना एंड आफ्टर यू हैव अप्लाइड दिस यू हैव टू कीप इट ऑन योर फेस फॉर एटलीस्ट टू टू मिनट्स और जब तक ये अब्जॉर्ब नहीं हो जाता लाइक फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स तक आप इसके ऊपर कुछ भी मत लगाना एंड जब पंद्रह से बीस मिनट हो जाएंगे यूज अ गुड मॉइस्चराइजिंग मॉइस्चराइजर तो मैं प्रेफर करती हूँ समथिंग विद आई दाइलोरिक एसिड लाइक दिस वन और समथिंग विथ स्कोलेन क्योंकि जो स्कोलेन होता है वो आपकी स्किन के नेचुरल ऑयल्स को मिमिक करता है इट इज़ अ गुड इमोलियन तो आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग हो और उसमें कोई भी और एक्टिव इन्ग्रीडियंट नहीं होना चाहिए लाइक सैलिसलिक एसिड ग्लाइकोलिक एसिड रेटिनॉल कुछ भी मत यूज़ करना जब आप बेंजॉइल पेरोक्साइड यूज़ कर रहे हो इसको जब भी यूज कर रहे हो ना उससे पहले एक बार पैच टेस्ट करना यहाँ पे हाथ हाथ पे मत करना बिकॉज दिस एरिया इज एग्जैक्टली वॉट योर स्किन इज़ लाइक तो यहाँ पर इसको लगा के एंड लीव इट फॉर लाइक वन आवर टू आर देखना अगर यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता है तभी इसको अपने फेस पे यूज करना क्योंकि पूरे फेस पे अगर रिएक्ट कर गया तो दैट be गुड सो डू अ patch टेस्ट क्योंकि मेरे लिए काम कर रहा है तो जरूरी नहीं है आपकी स्किन भी सेम हो नाव अभी मैंने इसे अप्लाई करा है तो मैं आपको तुरंत जो मेरे को रिजल्ट दिखते हैं मैं वो बताती हूँ तो आप देख सकते हो मेरी स्किन जो है पूरी तरीके से मेटिफाई हो गई है अगर आप अपनी स्किन पे ऐसे हाथ लगाओगे तो योर स्किन विल फील लाइक अ बेबी स्किन इतनी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है इसको लगाते ही स्किन Skin, और थोड़ी सी ड्राई और ऐसे टाइट टाइट सी फील करती है बट दैट इज वेरी वेरी नॉर्मल एडजस्ट कर लेगी वैसे वैसे वो सारे साइड इफेक्ट्स चले जाते हैं तो वो साइड इफेक्ट्स क्या है जैसे मैंने आपको बताया आपकी स्किन थोड़ी ड्राई फील कर सकती है बिकॉज आपने न्यूली एक प्रोडक्ट अपने स्किन पे इंट्रोड्यूस किया है एंड बेन्ड एनी वे ड्राइज आउट योर स्किन तो थोड़ा ड्राइनेस हो सकता है उस ड्राइनेस की वजह से आपकी स्किन थोड़ी सी रेड दिख सकती है एंड पील हो सकती है एंड जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट टाइम अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ा बहुत टिंगलिंग या बर्निंग सेंसेशन लग सकता है बट वो बहुत स्लाइट होता है सो यू कैन यू नो इग्नोर इट बट अगर ज़्यादा हो रहा है देन स्टॉप यूजिंग इट सो इसीलिए जैसे मैंने बोला पैच टेस्ट कर लेना एंड ऑल्सो योर स्किन माइट यू नो इच थोड़ा इची फीलिंग हो सकता है बट दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल मुझे भी होता है कभी कभार होता है उतना होता है, नहीं है एक दो जगह पर हो जाता है बट लाइक ऑल दिस इज कंप्लीटली नॉर्मल अब नहीं होता बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर अबाउट एन ईयर नाउ सो माई स्किन हैज़ बीन यूज टू इट एंड नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने पर्सनली नहीं एक्सपीरियंस uh, किया है बट इट इज सेट दैट इट माइट बी अनसेफ फॉर प्रेगनेंट वुमेन सो अगर आप प्रेगनेंट हैं तो आप एक बार अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें कि आप इसको यूज कर सकते हो कि नहीं एंड जैसा कि मैंने इंटरनेट वगैरह पे पढ़ा है इट इज़ स्टिल सेफ फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग हो या प्रेगनेंट हो तो आप एक बार अपने डॉक्टर को जरूर कर लो using any on your face, you know, दो ही क्वेश्चन है बेसिकली एक ने मुझसे पूछा था कि क्या इसको मॉर्निंग और नाइट दोनों में यूज कर सकते हैं मैं सजेस्ट करूंगी सिर्फ दिन में एक ही बार यूज करो मॉर्निंग या नाइट कभी भी कर सकते हो बट रात में करो क्योंकि रात में आफ्टर दैट लाइक यू विल नॉट अप्लाई एनी मेकअप और एनी अदर यू नो लोद्स एंड लोद्स ऑफ सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर कुछ आपने लगाना है नहीं तो रात में आपकी स्किन अच्छे से इसको यू नो एब्जॉर्ब करके आपकी स्किन पे अच्छे से ट्रीट करेगी एंड ऑल्सो जब आप इसको यूज़ कर रहे हो तो नेक्स्ट डे अपने स्किन पे डे टाइम पे अच्छे से सनस्क्रीन लगाना बिकॉज एनी एक्टिव विल मेक योर स्किन अ लिटिल सेंसिटिव टू द सन तो उसका जरूर ध्यान रखना अदर क्वेश्चन दैट आई गॉट इज़ ये ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स के लिए काम करेगा कि नहीं तो ब्लैक एंड व्हाइट हेड के लिए ही मैंने इसको स्पेसिफिकली यूज किया था क्योंकि जब मैंने इसे यूज करना स्टार्ट किया था मेरे जो सिस्टिक एक्ने हैं वो खत्म हो गया था एंड मुझे बहुत ज्यादा वाइट हेड्स हो गए थे पूरे फेस पे तो मेरे व्हाइट हेड्स बहुत अच्छे से साफ हो गए थे बिल्कुल साफ हो गए थे लाइक अब भी, भी, भी नहीं है देन मुझे पूछा था कि स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह इसको यूज कर सकते हैं कि नहीं तो आई वुड से आप कर सकते हो उसको स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह यूज बट क्यों करना है लाइक इट इज़ सेफ टू अप्लाई ऑल ओवर योर फेस एंड आई वुड रिकमेंड यू टू डू सो क्योंकि ये आपके पूरे फेस के टेक्स्चर को ईवन आउट कर देगा बहुत एकदम स्मूद आपकी स्किन हो जाएगी एंड अनदर थिंग आप इसको रेगुलरली यूज कर सकते हो देर इज नो प्रॉब्लम इन यूजिंग इट रेगुलरली बट मैं क्या करती हूँ इसके साथ जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इधर पोर्स काफी ज्यादा क्लॉग हो गए हैं मैंने काफ़ी टाइम से कोई एक्सपोलियेशन नहीं किया है या फिर कई बार ऐसा होता है That your skin's uh, not, you know, reacting well to the skincare that you have been following for long. तो तब मैं क्या करती हूँ अपना स्किन केयर रोक देती हूँ एंड आई स्टार्ट माई बेसिक सी टी एम एंड उस टाइम पर मैं बेंजोइल पेरोक्साइड को अपने नाइट टाइम रूटीन में इंक्लूड कर देती हूँ एंड देन आई यूज़ इट फॉर वन टू वीक मेरी स्किन पर ये वन टू वीक्स में ही काम कर जाता है जैसे मेरे थोड़े बहुत अगर यहाँ पर वाइट हेड वगैरह हो गए हैं मैं इसको यूज़ करना शुरू करती हूँ एक दो हफ्ते में बिल्कुल मेरी स्किन बहुत अच्छे से सॉफ्ट और स्मूद uh, हो जाती है सो आफ्टर दैट आई स्टॉप यूजिंग इट एंड उसके बाद मुझे काफ़ी टाइम तक जैसे अभी मैंने इसे लास्ट यूज़ करना स्टॉप कर दिया था आई थिंक थ्री मंथ्स पहले एंड उसके बाद से अभी तक आई हैवन सीन एनी एक्टिव एक्ने या फिर वाइट हेड ब्लैक हेड ऑन माई फेस बट मैंने बहुत टाइम से विंटर्स की वजह से कोई केमिकल एक्सफोलिएशन नहीं किया बिकॉज विंटर्स में ऑलरेडी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तो अभी मैं देख रही हूँ कि थोड़े दिन से मेरी यहाँ पर ना पोर्स थोड़े से क्लॉग्ड फील कर रहे हैं सो आई हैव अगैन स्टार्टेड यूजिंग बेंजॉइल पेरोक्साइड इनफैक्ट अभी दो तीन ही दिन हुए हैं यूज़ करते हुए, सो या इट इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट इफ यू यू नो यूज इट वाइजली एंड यू जस्ट डू अ पैच टेस्ट बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग इट एंड आई एम श्योर कि अगर और कोई प्रोडक्ट आपके लिए काम किया है या नहीं किया है ये तो जरूर करेगा मार्केट में बेंजोइल पेरोक्साइड जेल बेंजोइल पेरोक्साइड फेस वॉशेस भी आते हैं तो आप उनको भी ट्राई आउट कर सकते हो बट मैं स्पेसिफिकली पेरोक्लिन आपको इसीलिए सजेस्ट करूंगी बिकॉज इसमें बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ साथ क्लेंडेमाइसिन भी है तो बेंजोइल पेरोक्साइड आपके बैक्टीरिया को तो किल करेगा क्लेंडेमाइसिन उनको वापस आने से भी रोकेगा सो इट इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू यूज इट बिकॉज काफी अच्छा प्रोडक्ट है और आपको अपनी यू you नो know, पास की केमिस्ट शॉप पर भी मिल जाएगा अगर आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो आई वुल डेफिनेटली रिप्लाई टू ऑल योर कॉमेंट्स एंड ऑल्सो अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हिट दैट लाइक बटन एंड इफ यू वॉन्ट मी टू मेक अ वीडियो ऑन एनी अदर टॉपिक ऑल्सो ड्रॉप दैट इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो एंड येस अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट दैट रेट सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बिल राइट नेक्स्ट सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नाउ आई विल सी यू सुपर सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाय बाय